जयदेव गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिर सेवा यत कृष्ण बलराम गोस्वामी ने बताया, राधा दामोदर को प्रकट करने वाले प्रभु श्री जयदेव गोस्वामी महोत्सव में सुबह से ही भक्त जन मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। श्री जयदेव गोस्वामी भक्ति जगत के आधार संतभ्र थे। वृंदावन धाम के लिए उनकी एक अलग ही निष्ठा थी और चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय श्रील जीव गोस्वामी जी को ही जाता है। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। करीब 500 वर्ष से हर वर्ष इसी भांति मनाया जाता है। इसमें जितने भी भक्तजन हैं, वैष्णवजन है, सब सम्मिलित होते हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी उनकी आरती हुई, पूजा अर्चना हुई। अभी दोपहर को सभी साधु वैष्णव जन का एक भोग भंडारा भी होगा, शाम को फूल बंगला के दर्शन भी होगा। दामोदर मंदिर में किस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किया? देखिए, बोली श्री राधा दामोदर लाल की जय। आज श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री जयदेव गोस्वामी जी महाराज का तिरुभाव महोत्सव मनाया गया। श्री जयदेव गोस्वामी जी जिन्होंने श्री गीत गोविंद ग्रंथ की रचना करी है, और ऐसा दिव्य ग्रंथ है ये कि जिसको सुनने के लिए साक्षात जगन्नाथ जी आते थे, उन्हीं जयदेव गोस्वामी जी की समाधि राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। तो आज उनके त्रोभा महोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम प्रातःकालीन बिला में गोस्वामी जन द्वारा, वैष्णव जन द्वारा उनके गीत गोविंद ग्रंथ का पारायण उनके समाधि स्थल पर किया गया। तत्पश्चात पुष्पांजलि एवं आरती का कार्यक्रम हुआ। श्री जयदेव गोस्वामी जी को स्मरण करते हुए हमारी माजी महाराज महागोसाई श्रीमती तरुलता गोस्वामी जी ने बताया कि जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद लिखा वो इस परम उच्च कोटि के भक्त थे, जिनके गीत गोविंद को सुनने के लिए राधा माधव लालजू महाराज, जगन्नाथ जी महाराज उनके पास आया करते थे, उनके पीछे दौड़ा करते थे। तो हम सबों को श्री जयदेव गोस्वामी जी को स्मरण करते हुए राधा दामोदर जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हम पर कृपा बना रखें, ताकि हम भी अपनी भक्ति करते हुए आगे भक्ति के ऊपर अग्रसर होते जाएं। श्री राधा दामोदर लाल की जय।